मनोज खन्ना और दीपांजलि मोइत्रा। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने जहां अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, तो वहीं आज ही के दिन साल 2019 में मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले की पहली बरसी पर कश्मीर के लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराता नजर आया। ये तिरंगा फहराया है बीजेपी की युवा नेता रुमसा रफीक ने। 5 अगस्त को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए, बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। कश्मीर की युवा नेता रुमसा रफीक ने तो कट्टरपंथियों की धमकी के बावजूद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और शान से सलामी भी दी। कश्मीर के पत्रकार आदित्य राजकौल ने ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तानी आतंकवादियों और कट्टरपंथियों से लगातार मिल रही धमकी के बावजूद स्थानीय बीजेपी नेता रुमसा रफीक ने अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने की पहली बरसी पर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में लाल चौक पर झंडा फहराया और सलामी दी। रुमसा रफीक की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर समीरा खान ने लिखा, ये नया जम्मू कश्मीर निडर। ट्विटर यूजर उस्मान वानी ने ट्वीट किया, इमरान खान के लगातार भारत विरोधी बोल के बावजूद रुमसा रफीक ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, यही है वो जिस पर कश्मीरी विश्वास रखते हैं, ग्रेट इंस्पिरेशन। मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, हालांकि हर बार वो नाकाम रहा। इस बार बरसी पर पाक पीएम इमरान खान ने नया नक्शा जारी कर कश्मीर और जूनागढ़ को पाकिस्तान का बताया, यानी कश्मीर को पाकिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मानेगा।